नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं पजल्स की एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, जिस कारण से वीडियोज़ थोड़ा डिले हो रहा है। एक दो दिन के गैप पर ही सही, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ एक दो दिन के गैप पर ही आप लोगों के पास लेकर आ सकूँ। और मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया हुआ था पजल की पीडीएफ के बारे में। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं एंड तक मैं उसे आप लोगों को अवेलेबल करा दूं, लेकिन कुछ कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि 5 जून से पहले तक मैं उस पीडीएफ को आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। उस पीडीएफ की अगर बात कर लें तो उस पीडीएफ में टोटल 150 पजल्स होंगे। 150 पजल्स में जो आजकल नया पैटर्न चल रहा है, जिस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, पजल्स की बात कर लें, जो पैटर्न के पजल्स आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न के पजल्स उस पीडीएफ में होंगे। हाई लेवल के पजल्स होंगे, जो कि मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और साथ ही साथ उसमें पिछले 1 साल के अंदर में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसके मेमोरी बेस्ड पजल भी मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वो पीडीएफ आपको ज़रूर पसंद आएगी। उसी रीज़न से थोड़ा सा वीडियोज़ डिले हो रहा है, लेकिन जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट होती है, फिर डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझेंगे दोस्तों, और वो पजल भी पीडीएफ भी आपको पसंद आएगा। आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही दोस्तों ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, और आगे भी हम लोग कुछ नया करते रहेंगे और अच्छा ही करते रहेंगे। इससे भी अच्छा जो भी हो रहा है, उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। आज हम लोग एक मेमोरी बेस्ड पजल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी IBPS RRB PO का मेंस एग्जाम जो हुआ था अभी, उसमें ये पजल पूछी गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए। हिंदी में आपके सामने में अवेलेबल है अभी, हिंदी में आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी आएगी। ये पजल हमें विजय कुमार साहनी ने भेजा है, सो थैंक यू विजय कुमार साहनी हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हिंदी में आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि पजल को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए, अब इंग्लिश में आपके सामने में अवेलेबल है, इंग्लिश में आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए थी इसे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब पजल को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा था इसमें? एट पर्सन पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल फेसिंग सेंटर। फोर ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फोर ऑफ देम आर सिटिंग मिडिल ऑफ द टेबल। देयर एजेज आर डिफरेंट। एज ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड एज ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द मिडिल इज मल्टीपल ऑफ 2। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 8 लोग हैं, वो सभी एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सभी सेंटर की ओर फेस करके हैं, ठीक है। और उनमें से 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं और 4 लोग टेबल के मिडल में बैठे हुए हैं। देखिए, अब इसमें यह चीज़ बोली गई है कि सभी लोगों के एजेस भी होंगे, और वो एज जो है वो डिफरेंट होंगे, सेम एज किसी की नहीं होगी। साथ ही साथ जो कॉर्नर जो है, जो लोग कॉर्नर पर बैठे हुए हैं, उनका एज 3 के मल्टीपल में होगा, और साथ ही साथ जो लोग टेबल के मिडल में बैठे हुए हैं, उनका एज 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 2 स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। एक दो कंडीशन लेकर चलेंगे, इसलिए एक स्क्वायर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और एक स्क्वायर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 2 स्क्वायर हो गए हमारे। क्या बोला जा रहा था कि 4 लोग कॉर्नर पर बैठेंगे और 4 लोग मिडिल में बैठेंगे, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही थी, यहाँ भी सेम चीज़ कर लेते हैं, 4 लोग कॉर्नर पर और 4 लोग मिडिल पर, ठीक है। देखिए ये चीज़ हमारी होगी। अब कंडीशन पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और बोली गई थी कि जो लोग कॉर्नर पर बैठेंगे उनका जो एज होगा वो 3 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉर्नर 3 के मल्टीपल में, और जो लोग मिडिल में बैठने वाले हैं उनकी जो एज होगी वो 2 के मल्टीपल में होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी है। तो अब कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन में बोला जा रहा है पी सीट सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 44 ईयर्स। अब देखो 44 ईयर की बात हो रही है, तो 44 ईयर हमारा 2 का मल्टीपल है, 3 का तो है नहीं, और 2 का मल्टीपल है मतलब वो मिडिल में बैठेगा, तो 44 वाला मिडिल में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 44 को मिडिल में, दोनों ही जगहों पर कर देते हैं। अब बोला क्या जा रहा था कि इसके राइट में सेकंड हमारा कौन बैठेगा? पी बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पी आ गया और यहाँ पर भी पी आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हुज एज इज 39 ईयर्स। यानी कि पी जो है वो 39 ईयर वाले के नेबर में होगा, यानी कि 39 या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों ही जगहों पर हम लोग अलग अलग कंडीशन ले लेते हैं। एक में 39 को यहाँ पर रखते हैं और दूसरे में 39 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पर्सन सीटेड बिटवीन क्यू एंड द पर्सन हुज एज इज 39 ईयर्स। यानी कि 39 की पोजिशन तो पता है, इससे 2 छोड़ के हमारा क्यू बैठेगा, तो 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ भी आ सकता है और 1 2 छोड़कर क्यू हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन बन रही है, एक में क्यू को पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ले लेते हैं और एक में यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ भी 39 से 1 2 छोड़कर क्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है, यहाँ पर ले लेते हैं, और 1 2 छोड़कर क्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, तो यहाँ पर ले लेते हैं। दोनों ही जगहों पर हमने क्यू की पॉसिबिलिटी 2 2 ले ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्यू इज नॉट 44 ईयर्स ओल्ड, क्यू जो है वो 44 ईयर का नहीं होगा। अब देखो क्यू की हमारी इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है जिसमें से कि एक 44 ईयर में जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्यू नहीं आ पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 44 में क्यू की कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, क्यू दोनों ही जगहों पर अलग अलग प्लेस पे आ रहा है, मतलब यहाँ पर सही है, यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी कट गई है, यहाँ पर क्यू की बस एक ही पोजिशन बनती है, तो क्यू को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू सिट सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, W जो है वो Q के लेफ्ट में सेकेंड बैठेगा। Q हमारा यहाँ पर क्लियर है, इसके लेफ्ट में एक दो यहाँ पर W आ जाएगा। अब देखो सारे लोग तो सेंटर फेसिंग है इसलिए दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर Q की दो पॉसिबिलिटी है तो इसको चेक करते हैं। इसके लेफ्ट में एक दो यहाँ पर W आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर P है, W यहाँ नहीं आ पाएगा, मतलब Q यहाँ पर नहीं आ सकता है, Q यहीं पर आएगा। यहाँ पर Q को लिख देते हैं, इसके लेफ्ट में एक दो यहाँ पर W आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है S sits right of the person whose age is 15 years, S जो है वो 15 years जिसकी एज है उसके इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है। अब देखो 15 हमारा 3 का मल्टीपल है, यानी कि 15 हमारा कॉर्नर पर आएगा। ठीक है, और उसके राइट में इमीडिएट राइट में कौन होगा, एस होगा। तो अगर 15 को हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो उसके इमीडिएट राइट में एस को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर 15 को आप यहाँ पर रखोगे तो उसके राइट में एस को नहीं दे पाएंगे। 15 यहाँ पर भी होगा तो उसके राइट में एस नहीं आ पाएगा। 15 को अगर यहाँ भी रखोगे तो उसके राइट में एस नहीं आ पाएगा, मतलब 15 की बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 15 हमारा यहाँ पर आएगा और उसके इमीडिएट राइट में एस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर 15 को देंगे तो उसके राइट में एस को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 15 देने पर एस नहीं आएगा, यहाँ पर 15 तो एस नहीं आएगा, यहाँ पर 15 तो एस यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ भी 15 और एस के लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 पर्सन सीटेड बिटवीन जेड एंड द पर्सन हुज एज इज 15 ईयर्स, यानी कि 15 ईयर और जेड के बीच में 3 लोग बैठने हैं, तो 1, 2, 3 के बाद जेड यहाँ पर आ जाएगा। इधर से भी काउंट कर लो तो जेड 1, 2, 3 के बाद यहीं पर आएगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पर है तो जेड हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। यहाँ भी सेम चीज़ होगी, 15 यहाँ पर है तो जेड हमारा 3 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन जेड्स एज एंड द पर्सन सीटेड सेकेंड लेफ्ट ऑफ जेड इज 6 ईयर, मतलब देखो जेड की एज और इसके लेफ्ट में जो सेकेंड बैठा हुआ है यानी कि यहाँ पर, इन दोनों की एज की जो डिफरेंस होगी वो 6 ईयर की होगी। तो यहाँ पर हमें 39 पता है ना, तो यहाँ पर जो भी बंदा बैठेगा उसकी एज 39 से या तो 6 कम होगी या तो 6 ज़्यादा होगी, यही दो पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ वाले पर्सन के लिए। तो अगर 39 से 6 कम होती है तो यहाँ वाले बंदे की एज क्या होगी, 33 हो सकती है, या फिर अगर प्लस करेंगे 39 से तो यहाँ वाले बंदे की एज क्या होगी, 45 होगी, तो 33 या 45, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ वाले पर्सन के लिए बन रही है। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लो, इसमें हमें यहाँ पर 39 पता है तो यहाँ पर जेड की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 39 से या तो 6 कम होगी या तो 6 ज्यादा होगी। तो दोनों ही चीजें यहां पर पॉसिबिलिटी में लिख देते हैं कि या तो इसकी एज 33 होगी या तो 45 होगी, यही दो पॉसिबिलिटी जेड के लिए यहां पर बन रही है। ठीक है, यहां पर इस बंदे की पॉसिबिलिटी ये दोनों एज बनती है और यहां पर जेड की पॉसिबिलिटी ये वाली बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S इज एल्डर देन जेड, S जो है वो जेड से बड़ा है। देखो अब यहाँ पर S की एज हमें पता है 44 ईयर्स। ठीक है, S की एज 44 ईयर पता है और ये बोला जा रहा है कि वो जेड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो, जेड से तो जेड की एज 39 है और S की 44 है, तो जेड से तो S बड़ा ही है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर S की एज 44 है। अब देखो जेड की दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही थी, 33 और 45, और जेड से S को बड़ा होना है। अगर 45 हम ले लेंगे जेड की एज तो S जेड से छोटा हो जाएगा, लेकिन एस जेड से तभी बड़ा हो पाएगा जब हम जेड की एज 33 ईयर्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 45 तो होगा नहीं, 33 ही होगा, तो जेड की एज हमारी 33 कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको काट ही देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज यंगर देन एस, यानी कि एस का जो इमीडिएट नेबर्स होगा वो एस से छोटा होना है। ठीक है, अब देखो एस का एक नेबर 15 ईयर्स का है तो एस से तो ये छोटा ही है क्योंकि एस की एज तो 44 पता है। ठीक है, और यहाँ पर एस की अगर दूसरे पर्सन की बात कर लें एज की, तो यहाँ पर हमारी दो पॉसिबिलिटी थी, एक 33 और एक 45। ठीक है, अगर 45 लेंगे तो एस से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 33 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर इसको 33 लेंगे तो ये भी एस से छोटा होगा और ये भी एस से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 तो होगा नहीं, यहाँ पर हमारा 33 ही होगा। ठीक है, यहाँ वाले पर्सन की एज 33 यहाँ से इस तरीके से कन्फर्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है पर्सन हुज एज इज 22 ईयर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर के राइट में आपका सेकेंड कौन होगा, 22 ईयर होगा। अब देखो ये दोनों दो के मल्टीपल है, यानी कि ये इन दोनों की पोजिशन जो होगी वो मिडिल में होगी। ठीक है, तो मिडिल में देख लो, यहाँ पर तो नहीं हो सकता है, 10 के राइट में एक छोड़ के 22 आना है। ठीक है,
अगर 10 को यहाँ पर लेंगे तो इसके राइट में एक छोड़कर 22 आ सकता है, अगर 10 को यहाँ पर लेंगे तो उसके राइट में 22 आ सकता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, 10 यहाँ तो 22 यहाँ आ सकता है, 10 यहाँ तो 22 यहाँ आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी इज़ नॉट 10 ईयर्स ओल्ड, पी जो है वो 10 ईयर का नहीं होगा। अब देखो यहाँ चीज़ ये पता चल गई कि पी हमारा 10 ईयर नहीं हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि 10 हमारा फिर ये होगा, 10 ये होगा तो उसके राइट में एक छोड़कर 22 ये हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर यही पॉसिबिलिटी बनती है कि 10 ये हो गई और फिर उसके राइट में एक छोड़कर 22 हमारा ये हो जाएगा। यहाँ भी देख लो, पी हमारा 10 ईयर नहीं हो सकता है तो फिर 10 हमारा ये हो जाएगा और उसके राइट में एक छोड़कर 22 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज़ हो गई हमारी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। वाई इज सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 22 ईयर्स। अब देखो 22 ईयर के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा वाई बैठना है, तो वाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें भी 22 के ठीक लेफ्ट में हमारा वाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई इज 51 ईयर्स ओल्ड, वाई की एज हमें दे दी गई है कि वो 51 ईयर का होगा, यहाँ भी वाई की एज 51 ईयर। ठीक है, एज ऑफ आर इज मोर देन 20 ईयर्स, यानी कि आर की जो एज होगी वो 20 ईयर्स से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो आर की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, आर हमारा या तो इस प्लेस पर आ सकता है या तो इस प्लेस पर आ सकता है, बाकी सभी प्लेस पर हमें पर्सन्स पता है। ठीक है, अगर आर को हम यहाँ पर लेंगे तो वहाँ पर आर की एज 15 हो जाएगी, जो कि 20 से कम होती है, लेकिन हमें बोला गया है कि 20 से ज़्यादा होनी है। अगर आर को हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 33 है, मतलब ये 20 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कन्फर्म है कि आर हमारा इस प्लेस पर आएगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, इसमें आर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर आएगा, अगर आर को यहाँ पर लेंगे तो वो 15 हो जाता है, जो कि 20 से कम है, तो आर हमारा इसी प्लेस पर आएगा जो कि 20 से ज़्यादा है, 39 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बस एक ही प्लेस बच रही है हमारी दोनों ही जगहों पर, तो यहाँ भी एक प्लेस जो बच रही है वहाँ पर कौन पर्सन आ जाएगा, जिसे हम लोगों ने अभी तक कहीं पर नोट नहीं किया है, तो कौन बच रहा था, एक्स बच रहा था, तो यहाँ पर हमारा एक्स आ जाएगा, यहाँ भी हमारा एक्स ही बच रहा है, एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है एज ऑफ आर इज मोर देन 24 ईयर्स ऑफ एक्स एज, यानी कि एक्स की जो एज होगी उससे 24 ईयर्स ज़्यादा होनी है आर की एज। तो एक्स की एज कितनी है, 15 है, तो 15 में 24 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होता है, 39 हो रहा है। तो क्या यह आर की एज हमारी यहाँ पर 39 है, नहीं है, यहाँ पर आर की एज 33 है, मतलब ये कंडीशन हमारी यहाँ पर कैंसिल हो गई। इसमें चेक करते हैं, इसमें एक्स की एज 15 है, इसमें आप 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 39 आएगा। तो क्या आर की एज 39 है, हाँ बिल्कुल, देख लो आर की एज यहाँ पर 39 है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर तो फॉलो हो गई। अब एक लास्ट कंडीशन बच रही है कि एज ऑफ पी इज लेस देन 3 ईयर्स ऑफ एक्स एज, यानी कि एक्स की जो एज होगी उससे 3 साल कम होनी है पी की एज। तो एक्स की एज हमें यहाँ पर 15 पता है, इससे 3 साल कम करेंगे तो 12 ईयर्स हमारा पी का एज हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल हमारी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है, आपके सामने में आंसर यहाँ पर है। इसमें हमें सभी लोगों के, सभी पर्सन्स के प्लेसेस जो पोजिशंस होने हैं बैठने के वो भी पता है, और किसे किसकी कौन सी एज होनी है वो भी पता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।